हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। टुडे आई डिस्क्राइब अबाउट चैप्टर 1 ऑफ एसएसटी क्लास 4। द क्लास 4 है, सब्जेक्ट एसएससी है, चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 इज इंडिया आवर लैंड। इंडिया आवर लैंड आवर कंट्री। इंडिया इज आवर कंट्री। It is very big and very beautiful country. We live in India. India is our country. So first location. First topic location. And India का location क्या है? वो कहाँ है? कैसे स्थित है? इसका स्थिति क्या है? इसका location है। तो इसके location जानने के लिए सबसे पहले हम इस अपने इंडिया के मैप को देखेंगे, ठीक है? तो इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। 7th कंट्री इन द वर्ल्ड इन द टर्म ऑफ एरिया, यानी एरिया की दृष्टि से यह 7th कंट्री एंड सेकेंड कंट्री इन द टर्म ऑफ पॉपुलेशन। तो अदर 6 कंट्रीज लार्जर देन इंडिया। इंडिया कौन कौन सी है? रसिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राजील एंड ऑस्ट्रेलिया। यानी इसे जो 6 बड़े कंट्री हैं वो कौन कौन सी हैं? रसिया है, कनाडा है, चाइना है, यूएसए, ब्राजील एंड ऑस्ट्रेलिया से। तो इसके बाद से हम लोग आप इसके मैप को देखेंगे, लोकेशन क्या है इसका। व्हेन वी सी एट द मैप ऑफ इंडिया वी नोटिस दैट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज सिचुएटेड एट द हेड ऑफ इंडिया। इट इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ऑफ द कंट्री। यानी इंडिया का मैप जब हम देखेंगे तो ये नोटिस करेंगे, हमको नोटिस मिलेगा, वी नोटिस ये जो है नॉर्थ साइड है। तो जम्मू एंड कश्मीर इज सिचुएटेड इन द हेड ऑफ इंडिया इन द नॉर्थ, यानी ये सबसे ऊपर हम लोग का जम्मू एंड कश्मीर है। और सेकेंड इसका जो होता है इसको हम नॉर्थन कहते हैं। तो सबसे ऊपर इसका जम्मू एंड कश्मीर होता है और बाकी ये नॉर्थन एरिया में जो होते हैं नॉर्थन साइड में यहाँ पे हिमालय है, हिमालय पर्वत है। यानी नॉर्थन साइड से हमारा जो इंडिया है, इंडिया इज सराउंडेड 3 साइड ऑफ ओशियन इन 3 साइड एंड नॉर्थ इज बाउंडेड बाय हिमालय। यानी इधर सबसे ऊपर यहाँ जम्मू एंड कश्मीर है और इधर नॉर्थन में हमारा क्या है, वो हिमालय है यानी पर्वत है। उसके बाद से यहाँ हम लोग का नॉर्थन प्लेन है। अब हम लोग आते हैं वेस्ट। ये देखिए नॉर्थ है और ये नीचे साउथ है और इधर वेस्ट है और इधर ईस्ट है। तो ये हम लोग का नॉर्थन टू साउथ की एरिया है। इधर वेस्ट है, वेस्ट में इसके क्या है, अरबियन सी है। वेस्ट साइड में ये सराउंड बाउंडेड है किसे, बाय अरबियन सी। और नीचे जो है साउथ में, साउथ है साउथ में इसका इंडियन ओशियन, यानी इसका इधर से इसका प्रोटेक्ट करता है अरबियन सी, इसकी सुरक्षा करता है। और इधर से बे ईस्ट में इसका बे ऑफ बंगाल है, इधर बंगाल की खड़ी है, बे ऑफ बंगाल है। और नीचे में साउथ में इंडियन ओशियन है। ये हमारे इंडिया का लोकेशन है। अब इंडिया इज बाउंडेड बाय हिमालय इन द नॉर्थ, यानी नॉर्थ साइड में हिमालय से बाउंडेड है। और बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, ईस्ट में इसका बे ऑफ बंगाल है। और वेस्ट में अरबियन सी है और साउथ में इंडियन ओशियन है। अब देखिए स्टेज फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इन द नॉर्थ
to Kanyakumari. In the south, our country extends to about 3,240 kilometers. यानी हमारा यहाँ जम्मू एंड कश्मीर से लेके नीचे कन्याकुमारी तक का जो स्ट्रेंथ है, इसकी जो चौड़ाई लंबाई है, ये लंबाई जो है इसकी ये कितना है, 3000 कितना है इसका स्ट्रेंथ, ये जो है ये कितना है 3,240 किलोमीटर। अब हम लोग इसका ये वाला देखेंगे भाग कितना है, वेस्ट वेस्ट यहाँ यानी यहाँ पे गुजरात है, तो गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश ये इसका चौड़ाई कितनी है, अबाउट 2,933 किलोमीटर। यानी यहाँ से यहाँ ये जो इसका भाग है ये इसका है 2,933 किलोमीटर है इसका स्ट्रेंथ है। अब देयर आर टू ग्रुप्स ऑफ आइसलैंड इन आवर कंट्री, अंडमान एंड निकोबार इन द वेस्ट बंगाल एंड लक्षद्वीप इन द अरबियन सी। यानी यहाँ पे दो इट इज ऑल्सो द पार्ट्स ऑफ इंडिया, यानी इसके दो आइसलैंड है जो हमारे इंडिया में होते हैं, इधर अंडमान एंड निकोबार है बे ऑफ बंगाल में, और अरबियन सी में हमारा लक्षद्वीप है। इट इज ऑल्सो पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, पॉलिटिकल डिविजन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट अब यहाँ हम लोग लोकेशन देखे, अभी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल डिवीजन। यानी इंडिया इज वेरी बिग कंट्री, इट रन टू नेट्स गवर्नमेंट, देयर आर टू सेट्स ऑफ गवर्नमेंट इन आवर कंट्री, फर्स्ट सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सेकेंड स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट टेक केयर एंड गवर्नर ऑफ होल कंट्री। स्टेट गवर्नमेंट इज द गवर्नर ऑफ स्टेट। तो ये उसके आगे हम लोग ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट हो गया। दस आवर कंट्री डिवाइडेड इन स्मॉलर एरिया विच आर कॉल्ड स्टेट एंड यूनियन टेरिटोरीज। देयर यानी हमारी इंडिया जो है बहुत बड़ी कंट्री है, इसको डिवाइडेड किया गया है स्मॉलर में, तो देयर आर 29। आवर कंट्री डिवाइडेड इन स्मॉलर एरिया इज कॉल्ड स्टेट एंड यूनियन टेरिटोरीज। तो देयर आर 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटोरीज इन आवर कंट्री। अब हम लोग आ जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है फिजिकल डिवीजन। तो वी नो ऑलरेडी आवर कंट्री इज वेरी बिग कंट्री, इट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स। ठीक है, स्मॉलर इसे छोटे छोटे पार्ट्स को इसके फिजिकल फ्यूचर को देखते हुए स्मॉलर में इसको डिवाइडेड किया गया है। तो इंडिया इज द फॉर्टुनेट टू हैव लार्ज रिवर दैट फ्लो थ्रू इट एंड वाटर एडजेसेंट लैंड। On the basics of varied land forms, India can be divided into 6 main physical division. अरे इंडिया एक वेरी बिग कंट्री है, यहाँ पे देखिए ये इसकी जो भूमि है, लैंड है इंडिया का, वो वेरी फर्टाइल है, यानी उपजाऊ है। यहाँ पे दो रिवर्स फ्लो करते हैं, जैसे गंगा एंड यमुना यहाँ से ऐसे आते हैं, फिर ये गंगा या यमुना है, और ये
और एक यहाँ से कौन, एक यहाँ से होती है त्रिपुरा। ये नदियां हमारे यहाँ पे फ्लो करती हैं। गंगा जो नदी है वो हमारे हिमालय से निकल के आती है। और इसके लैंड को मेन, इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू सिक्स मेन फिजिकल। दीज आर नॉर्थन, द नॉर्थन माउंटेन, द नॉर्थन प्लेन, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट्स, द साउथ प्लेटियो, द कोस्टल प्लेन एंड द आइसलैंड। ये हमारे सिक्स इंडिया के फिजिकल डिवीजन है। कौन कौन से हैं? फर्स्ट नॉर्थन माउंटेन, नॉर्थन प्लेन, और थर्ड जो है ग्रेट इंडियन डेजर्ट, और साउथर्न प्लेटियो, कोस्टल प्लेन, आइसलैंड। और देखिए नॉर्थन माउंटेन, नॉर्थन माउंटेन क्या होता है, यानी ये हमारे नॉर्थ साइड में, इसको फिजिकली जब हम देखते हैं इंडिया को, तो नॉर्थ साइड में यहाँ से यहाँ तक इसका माउंटेन होते हैं। इसको हम एक अलग पार्ट्स में, इसको हम इसका नाम डिवाइड कर देते हैं, इसको नॉर्थन माउंटेन कहते हैं। अब सेकेंड होता है नॉर्थन प्लेन, यानी यहाँ से यहाँ तक जो ये पार्ट्स होती है उसको नॉर्थन प्लेन, यानी ये प्लेन होता है जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन होती है और यहाँ की मिट्टी भी उपजाऊ होती है, खेती का काम करती है। सेकेंड इसका आ जाता है थर्ड ग्रेट इंडियन डेजर्ट, यानी यहाँ पे इंडियन डेजर्ट पार्टे हैं, हॉट डेजर्ट, जैसे वहाँ पे वहाँ की मिट्टी हमारा क्या होती है, सैडी होती है, बालू होती है, जब रेती होती है, वहाँ पे खेती नहीं होती है, वाटर भी बहुत कम मिलते हैं। आगे साउथर्न प्लेट्यू, साउथर्न प्लेट्यू यानी साउथ साइड में यहाँ पे इसका साउथर्न प्लेट्यू है। और कोस्टल प्लेन्स यानी सबसे नीचे ठंडी एरिया जहाँ पे एकदम आइस से ढका हुआ होता है, इसको हम लोग कोस्टल प्लेन्स कहते हैं। अदर आइसलैंड, आइसलैंड तो आप लोग जानते हैं, द एरिया विच आर सराउंडेड बाई वाटर इज कॉल्ड आइसलैंड। तो ये जो हमारा जो ये जो है अंडमान एंड निकोबार, ये हमारा आइसलैंड है, और यहाँ अरबियन सी में लक्षद्वीप है, वो भी हमारा आइसलैंड है। ये भी हमारे इंडिया के, इट इज ऑल्सो द पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। तो ये इसको अलग परिणाम अलग भाग में डिवाइड किया गया है, इसको आइसलैंड कहते हैं। यानी हमारा कुल मिला के सिक्स इंडिया का फिजिकल डिवीजन है। आगे का डाइवर्सिटी तीन, अब हम लोग आगे का टॉपिक है डाइवर्सिटी यानी एकता में, विभिन्नता में एकता। यानी इंडिया इज ए वेरी वेरी बिग कंट्री, इट इज लैंड ऑफ डाइवर्सिटी एंड वेरिड कल्चर। हियर पीपल्स फॉलो डिफरेंट रिलीजियस कल्चर्स, लैंग्वेज एंड सोशल ट्रेडिशनल। पीपल्स ऑफ इंडिया स्पीक मेनी डिफरेंट लैंग्वेजेस। आउट ऑफ द लैंग्वेजेस स्पोकन इन इंडिया 23 हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशंस एज द ऑफिशियल लैंग्वेजेस। यानी इंडिया में बहुत धर्म के बहुत लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं, और अलग अलग कल्चर्स को, अलग अलग धर्म को मानने वाले होते हैं। यानी इंडिया आउट ऑफ द लैंग्वेजेस स्पोकन इन इंडिया 23 डिस्पीट, इतना होने के बावजूद भी डिस्पीट इंडिया डिस्पाइट द डाइवर्सिटी अमोंग द पीपल्स ऑफ इंडिया ए यूनिटी कैन बी सीन विथ स्टैंड द यूनिटेड वन नेम इंडिया। यानी इतना होने के बाद भी, डिफरेंट होने के बाद भी हम लोग सब लोग एकता है, सबको एक ही नाम दिया जाता है इंडिया। यानी ये चैप्टर हम लोग का फर्स्ट फिनिश हुआ। थैंक यू।